वी केयर फॉर यू। वी केयर फॉर यू स्लोगन है चंडीगढ़ पुलिस का। कोरोना संकट काल में कहीं ना कहीं यह स्लोगन चंडीगढ़ पुलिस ने काफी हद तक सार्थक किया है। कर्तव्य की पालना के साथ साथ जिस सेवा धर्म से लोगों की सहायता की चंडीगढ़ पुलिस ने, यह चंडीगढ़ पुलिस का एक सराहनीय कदम कहा गया। देखें अर्थप्रकाश टीवी की ये खास रिपोर्ट। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कोरोना महामारी चाहे काल बनकर आई, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ढाल बनकर खड़ी रही। चंडीगढ़ पुलिस का मोटो है वी केयर फॉर यू। हर एक पुलिस ऑफिसर ने जो है बढ़ चढ़ के खुद सामने आकर इनिशिएटिव लेके अलग अलग जगहों पे लंगर चलाए हैं। कर्तव्य और सेवा की निष्ठा लिए चंडीगढ़ पुलिस ने कोरोना का डटकर सामना किया। झुलसती गर्मी में पलायन कर रहे लोगों को खाना देने से लेकर हर संभव सहायता करती नजर आई चंडीगढ़ पुलिस। कई प्रेग्नेंट लेडीज थी जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं और वापस घर लाकर सुरक्षित उनको घर पे ड्रॉप किया हुआ है। जहाँ जहाँ पे जिन जिन चीज़ों की जरूरत थी उन चीज़ों को वहाँ पे पहुँचवाया गया। और बहुत अलग सिचुएशन तब क्रिएट हो गई जब यहाँ के जो स्टैंडर्ड लोग थे, खास तौर पे प्रवासी मजदूर जो थे, उनके साथ जो है पुलिस को डील करना पड़ा। उनको समझाना बहुत ज़्यादा पड़ा क्योंकि वो बहुत भारी मात्रा में सेंटर पे पहुंच रहे थे अपने अपने गांवों को जाने के लिए। आप रहे सुरक्षित अपने घर में, हम खड़े हैं। सड़कों पर डटकर यह दिन रात गश्त करती आई चंडीगढ़ पुलिस। सेवा के साथ ड्यूटी में भी कोई कसर ना छोड़ी। मेरे हर एक जवान ने राइट फ्रॉम होमगार्ड वॉलेंटियर अप टू डीएसपी एसपी रैंक, हर एक ने जो है इस मोटो को इस कोरोना काल के दौरान सार्थक किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आज एक बहुत गर्व और अभिमान उनके ऊपर महसूस कर रही हूँ। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्ती की चंडीगढ़ पुलिस ने। इस दौरान 10,000 से अधिक गाड़ियों को जब्त किया गया, 650 एफआईआर रजिस्टर्ड की गई और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले करीब 1,000 लोगों को सबक सिखाने का काम भी किया चंडीगढ़ पुलिस ने। क्योंकि बार बार अवेयरनेस क्रिएट करने के बावजूद, लोगों को बार बार अपील करने के बावजूद भी कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे वॉयलेशंस की है और उसकी वजह से पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी है लोगों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि चंडीगढ़ शहर सुरक्षित रहे, कोरोना का ट्रांसमिशन जो है वो चेन ब्रेक हो जाए, इसके लिए पुलिस को ये सख्ती करनी पड़ी है। और 11,000 से ज़्यादा व्हीकल आज तक हमने इम्पाउंड किए हैं और 971 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है अलग अलग कारणों की वजह से। या तो इन्होंने कर्फ्यू या लॉकडाउन की पालना नहीं की, जिस टाइम पीरियड में अलाउड नहीं था उस टाइम पीरियड में ये घर से बाहर निकले, घूमते हुए पाए गए। कईयों ने मास्क नहीं लगाया, पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना अनिवार्य था। कई लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर निकल पड़े जबकि उस टाइमिंग में अलाउड नहीं था। तो ऐसे सभी वॉयलेटर्स के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और उनको हमने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो एकदम से कोइंसिडेंटली कोरोना महामारी आई, तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर थे डीजीपी साहब, हमारे एसएसपी साहब, तो उनकी जो गाइडलाइन हमें मिलती थी, उनकी गाइडलाइन के दौरान के कैसे आपने एरिया को हैंडल करना है, हमने जैसे एरिया सील किए, एरिया सील करने के बाद हमने लोगों में अवेयरनेस फैलाई कि आप जितना घर के अंदर रहेंगे उतना ही कोरोना महामारी को हम जल्दी हरा सकते हैं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमने हर जगह नाके लगाए और लोगों को रोकने के लिए, अगर बाहर निकले तो उनको लॉकडाउन करते थे। हम स्पोर्ट्स स्टेडियम मनीमाया ले आते थे, उनको वहां पर रोकने के बाद फिर दूसरे दिन छोड़ देते थे। अपने वर्दी को एक बाहर ही रखकर फिर घर के अंदर एंट्री करते थे ताकि हम बाहर से आएँ और ये कोई वायरस ऐसा ना हो कि जिससे हमारे परिवार को भी कोई नुकसान हो। कोरोना महामारी के चलते हर हाथ मदद को आगे आया। चंडीगढ़ पुलिस का मनोबल कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रहा।
जिसकी वजह रही चंडीगढ़ पुलिस को लगातार यहां समाज सेवियों का सहयोग मिला, जिनमें धार्मिक संस्थाएं, स्थानीय एनजीओज ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भागीदारी दी। चंडीगढ़ शहर के सभी निवासियों ने अभी तक बढ़ चढ़ के सारी कर्फ्यू गाइडलाइंस लॉकडाउन का पालन किया है, मेजॉरिटी लोगों ने पालन किया हुआ है, हमें बहुत कोऑपरेट किया है सभी, कई एनजीओज, कई समाज सेवी लोग, कई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खुद हमारे पास आए, खुद इनिशिएटिव लिया और कई चीज़ें इन्होंने डोनेट की गरीबों में बांटने के लिए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ और उसी के साथ साथ मैं अपील करना चाहती हूँ कि अपनी सिटी की, ये सिटी ब्यूटीफुल है लेकिन इसको हमें सिटी सेफ भी रखना है, अपनी सिटी की, सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक प्लेस में तभी निकले, घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, कम से कम निकले, हमेशा मास्क पहन कर रहे और कर्फ्यू लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से पालन करें ताकि हम जल्द से जल्द इस कोरोना ट्रेजेडी से मुक्त हो जाए। कोरोना महामारी के समय में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा निष्ठा से निभाए गए कर्तव्यों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। अर्थ प्रकाश भी ये अपील करता है कि आप जितना हो सकें कोरोना से बचाव के लिए हर नियम का पालन करें। स्पेशल रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।